तो स्टूडेंट्स, ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये है हमारा इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन पंप और ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप है। असेंबली देख लेते हैं इसकी, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं इसके अंदर। ये हमारी हाउसिंग है, इसके अंदर प्लंजर्स लगेंगे स्प्रिंग लोडेड, और ये हैं हमारे डिलीवरी वाल्व्स, ये भी स्प्रिंग लोडेड होते हैं। और इन्हीं के साथ हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स की नोजल्स अटैच की जाती हैं अकॉर्डिंग टू दी इंजन रिक्वायरमेंट। हमारा फ्यूल इन्हीं वाल्व्स की सहायता से डिलीवर किया जाता है। इसके अंदर जो प्लंजर लगी है, उसके अंदर भी एक हेलिकल ग्रूव बनी होती है जो कि थ्रोटल की सहायता से कंट्रोल की जाती है। एक कंट्रोल रैक लगी होती है, ये हमारी कैमशाफ्ट है, बेरिंग्स के साथ इसको माउंट किया जाता है। इसकी एक तरफ गियर या बेल्ट अरेंजमेंट लगाया जाता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर मैकेनिज्म लगाया जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू इंजन रिक्वायरमेंट, लोड और एक्सलरेशन की कंडीशन में फ्यूल डिलीवरी को कंट्रोल करेगा। विद द हेल्प ऑफ गवर्नर एंड एक्सलरेटर वी कैन कंट्रोल द फ्यूल डिलीवरी फॉर द इंजन। ये जो आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल रैक है और इस तरह से ये हेलिकल ग्रूव्स को रोटेट करता है जिससे फ्यूल डिलीवरी कंट्रोल होती है। ये इसका कवर है, ये हैंड प्राइमिंग पंप है, इसकी सहायता से सारे फ्यूल लाइन में फ्यूल को अच्छे से फिल कर दिया जाता है। और इस तरह से इसकी वर्किंग है, आप देख सकते हैं जैसे ही इंजन को क्रैंक किया जाएगा तो केम शाफ्ट वन बाय वन प्लंजर्स को अप एंड डाउन मूव करेगी, और ये कंट्रोल रैक थ्रोटल के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जैसे ही हम थ्रोटल पेडल को प्रेस करेंगे, ये हेलिकल ग्रूव्स रोटेट होंगी जिससे फ्यूल डिलीवरी को कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह से इसके अंदर एक हेलिकल ग्रूव बनी रहती है, और ये हमारा इंडिविजुअल पंप के अंदर का अरेंजमेंट है। एक हमारे इनलेट पोर्ट है, ये डिलीवरी वाल्व है, ये हमारा स्पिल पोर्ट है। तो जैसे ही प्लंजर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, जितनी देर ये प्लंजर स्पिल पोर्ट को और इनटेक पोर्ट को बंद रखेगा, उतनी देर फ्यूल हमारा डिलीवर होता रहेगा। जैसे ही ये खाली पोर्शन इस स्पिल पोर्ट के सामने आ जाएगा, तो हमारा फ्यूल स्पिल पोर्ट के ज़रिए रिटर्न लाइन में जाना स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूल डिलीवरी बंद हो जाएगी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पिल पोर्ट ओपन हो गया है, फ्यूल जो है वो रिटर्न लाइन में जाना स्टार्ट हो जाता है और स्प्रिंग फोर्स के साथ डिलीवरी वाल्व बंद हो जाता है। जैसे ही हम एक्सेलरेट करेंगे, तो ये जो आप हेलिकल ग्रूव देख रहे हैं, ये रोटेट होगी। रोटेट होने के साथ हेलिकल ग्रूव का जो एरिया है वो स्पिल पोर्ट को ज़्यादा देर के लिए बंद रखेगा, जिससे और ज़्यादा टाइम तक फ्यूल डिलीवर होगा, क्योंकि स्पिल पोर्ट जब तक बंद रहेगा तब तक इस चैम्बर में प्रेशर बना रहेगा और आउटलेट वाल्व ओपन रहेगा। फर्दर जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है, जैसे ही ये स्पिल पोर्ट को पास करेगा, यहाँ से दोबारा से रिटर्न लाइन में फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाएगा और इंजन की फ्यूल डिलीवरी भी बंद हो जाएगी। इस तरह से हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप वर्क करता है।